टुडे 24 न्यूज मैं हूं आपके साथ साक्षी दीपान। रूस यूक्रेन डनेप्रो के सैन्य ठिकानों पर हमले, 12 लोगों की मौत। पूर्वी शहर से भागकर यहां शरण ले रहे थे यूक्रेनी। देश में फिर बढ़े कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में मिले 2710 नए मामले, 14 की मौत। राजनाथ की पनडुब्बी यात्रा, रक्षा मंत्री ने कहा समुद्र में नीचे कुछ घंटे बिताए, नौसेना की लड़ाकू क्षमताएं और आक्रामक ताकत देखी। गोबर गौमूत्र से स्नान कर मुसलमान शख्स बना हिंदू, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में धर्म परिवर्तन, कहा राजपूत है मुस्लिमों के पूर्वज। जम्मू से डोडा जा रही बस उधमपुर में पलटी, 25 लोग घायल। श्रीलंका को रूसी तेल की सप्लाई, 2 महीने बाद फिर शुरू होगी श्रीलंका की रिफाइनरी, रूसी तेल का बड़ा शिपमेंट भारत चीन की तरफ बढ़ा। बटलर की टॉप क्लास पारी, आरसीबी के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़, राजस्थान को फाइनल में पहुंचाया, सीजन में 800 रन भी पूरे। रात में फिर बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर छींटे पड़े आज फिर गर्मी। देवबंद में मुसलमानों के जुटने के मायने, मजलिस से अमीला की बैठक के बहाने देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा, जानवापी मुख्य मुद्दा। बाराबंकी में भाजपा को वोट देने पर मुस्लिम परिवार का बहिष्कार, मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका, बेटे की शादी में जाने वालों पर जुर्माने का फतवा। यूपी की बड़ी खबरें, आगरा में फर्नीचर के वर्कशॉप में लगी भीषण आग, 3 घंटे आग बुझाने के लिए जूझती रही फायर ब्रिगेड। गाजियाबाद में 2 एनकाउंटर, 2 बदमाश ढेर, नए एसएसपी के ज्वाइन करने के 24 घंटे बाद डबल मर्डर में फरार बिल्लू और राकेश दुजाना मारे गए। महंगाई से पाकिस्तान परेशान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पीएम शाहबाज शरीफ बोले दाम नहीं बढ़ते तो देश हो जाता दिवाली। फिल्म निर्माता बोनी कपूर से धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड से की 3,82,000 की खरीदारी। मेरठ में टमाटर महंगा, फलों के भी ऊंचे भाव, थोक फुटकर मंडियों में सब्जियों के दामों में उछाल, खीरा लौकी तोरई खाना भी मुश्किल। धूप से बढ़ा तापमान, उमस के साथ बड़ी गर्मी, 37 डिग्री पहुंचा तापमान, सुबह से धूप में उमस के चलते लोग परेशान। ब्रजभूषण शरण सिंह का देवरिया दौरा, आज अपने ननिहाल में कार्यक्रम करेंगे कैसरगंज सांसद, राज ठाकरे के विरोध को लेकर सुर्खियों में है ब्रजभूषण। गाय के मुंह में विस्फोटक डाल धमाका, सिरसा के लखवारा गांव में साहिवाल नस्ल के गोवंश ने तड़प कर तोड़ा दम। बिलासपुर में बड़े कारोबारियों के यहां सेंट्रल जीएसटी की रेड, तेल कारोबारी और कपड़ा व्यापारी के ठिकानों पर पहुंची टीम, टैक्स चोरी करने का आरोप। रात की आंधी ने दी उमस से राहत, वाराणसी में देर रात 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चली हवा, तापमान गिरकर पहुंचा 26 डिग्री सेल्सियस पर। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।